ईरान और इसराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। ईरान की 300 मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इसराइल की सेना ने भी पलटवार करते हुए ईरान, सीरिया और इराक में जोरदार मिसाइल हमला बोला है। अमेरिका के अधिकारियों ने इसराइल के ईरान के अंदर भीषण हमले की पुष्टि की है। सीएनएन के एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि इसराइल ने ईरान के अंदर एक ठिकाने पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने किसी भी परमाणु ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है। इस हमले के बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। उधर ईरान ने एक बयान जारी करके कहा कि उसकी सरजमी पर कोई भी विदेशी हमला हुआ ही नहीं है। ईरान ने कहा कि उसने आसमान में संदिग्ध ऑब्जेक्ट को देखने के बाद अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया था। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान के इस्फहान शहर में एयरपोर्ट के पास 3 जोरदार विस्फोट सुने गए हैं। जहां पर ये विस्फोट हुए हैं उसके पास में ही ईरानी सेना का ठिकाना भी है। इस्फहान शहर के पास ईरान के फाइटर जेट भी तैनात है। ईरानी सूत्रों ने देश के अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी फोर्स को बताया, एक ऑब्जेक्ट को देखने के बाद एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया था जो संभवतः एक ड्रोन था। इससे पहले कोई रिपोर्ट में कहा गया था कि इजरायली हमले में एक सैन्य रडार साइट को निशाना बनाया गया। इस विस्फोट के बाद सरकारी कार्यालयों के शीशे भी टूट गए। इजरायल ने यह हमला ऐसे समय पर किया है जब ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की धरती से इजरायल को खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इजरायल ने जवाबी हमला किया तो उसका तत्काल और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इस दावे के ठीक बाद इसराइल ने हमला करके अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन अब ईरानी इस हमले को ही खारिज करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि इसराइल ने खुद ही इस हमले को अंजाम दिया है। इसमें अमेरिका शामिल नहीं था, हालांकि इसराइल ने इसकी सूचना अमेरिका को दे दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इसराइल ने एक सीमित हमला किया है और ईरान को यह दिखा दिया है कि कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान ने सीरिया पर हमले के जवाब में जो हमला इसराइल पर किया था वह बहुत बड़ी उकसावे की कार्रवाई थी। कई विश्लेषकों का कहना है कि ईरान इस हमले को इसलिए नहीं स्वीकार कर रहा है ताकि उसे इसराइल पर फिर से जवाबी कार्यवाही नहीं करना पड़े और साथ ही जनता के सामने उसकी इज्जत बची रहे। वहीं ईरान के दो अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार से माना कि उसके सैन्य अड्डे को इस्फहान में निशाना बनाया गया है। इजरायली अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि ईरान ने इसराइल के हमले के डर से सीरिया से अपने सैन्य कमांडरों और हिज़्बुल्लाह के कमांडरों को निकाल लिया है। ईरान ने इसराइल के हमले के खौफ से ही अपनी वायुसेना का अलर्ट कर दिया था। वहीं ईरानी नौसेना अपने देश के जहाजों को सुरक्षा दे रही है ताकि इजरायली हमले से बचाया जा सके। इससे पहले इसराइल के एक जहाज को ईरान ने पकड़ लिया था जिसमें भारतीय चालक दल सवार है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।